हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव मैकेनिक्स के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत उसी जगह से होती है जब पैक ने मार्क को ये कहा था। तो क्या मार्क यहाँ अपना दर्द भरने आया है? मार्क उसे कहता है कि नहीं, वो बस वी से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा मार्क के पीछे आता रहता है कि मार्क उसके लाइफ में वापस आ जाए। वो हर दिन उसके क्लास में भी चला आता है, चाहे मार्क उसे कितना भी भगाता क्यों ना रहे। पैक कहता है कि वो इस चीज में मार्क की हेल्प करना चाहता है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां नुआ बैठा अकेले पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वी उसके पास आता है और कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। नुआ उसे कहता है कि वो अगर उसकी हेल्प सच में करना चाहता है तो नुआ ने उसे जैसा कहा वी वैसा ही करे। वी कहता है कि वो जानता है कि नुआ यही चाहता है कि वी उसे परेशान करना बंद कर दे, पर वी अपने लाइफ में मार्क को वापस चाहता है। नुआ कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि मार्क उसे माफ कर देगा। वी कहता है कि अगर मार्क के मन में वी के लिए फीलिंग्स नहीं होती तो वो ऐसे वी से दूर नहीं भागा होता। वी मार्क की बहुत परवाह करता है। अगर उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म होने ही वाला है तो वो मार्क को सब कुछ बताना चाहता है। नुआ कहता है कि वो मार्क के रास्ते से हट रहा है, पर अगर मार्क उससे परेशान हुआ तो वी को भी पीछे हटना होगा। वी कहता है कि नुआ बहुत अच्छा है। नुआ कहता है कि वो ये बात जानता है, तभी वो अब भी सिंगल है। ये कहकर वो अपने नोटबुक की जेरोक्स कॉपी निकालने जाता है और वी कहता है कि वो उसके लिए भी निकाल लाए। और नुआ उसके सर पे मार कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ युवा और बार आते हैं। बार वी से पूछता है कि वी मार्क से बात कब करेगा। वी कहता है कि वो नहीं जानता, क्योंकि मार्क गायब हो गया, वो अपने रूम पे भी नहीं है। युवा कहती है क्या उसने मार्क को कॉल किया? अगर मार्क उसका कॉल पिक नहीं कर रहा तो वी उसे मैसेज कर दे। वी कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि मार्क उसके मैसेज का रिप्लाई करेगा, और वैसे भी वी मार्क से फेस टू फेस बात करना चाहता है। बार कहता है कि वो समझ रहा है, पर उसे अभी मार्क को टाइम देना चाहिए। जब मार्क रेडी होगा तब वो खुद यहाँ वापस आ जाएगा। तभी नुआ वहाँ पे भागता हुआ आता है और वी से कहता है कि मार्क वापस आ गया। वी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी में वहाँ से नुआ के साथ जाने लगता है। वो दोनों मार्क के पास जाते हैं, जहाँ मार्क अकेला बैठा होता है। वी मार्क से बात करने जाता है, पर तभी पैक आकर मार्क को कॉफी देता है और वो मार्क से पूछता है कि क्या ये दोनों उसके सीनियर्स है। मार्क कहता है कि हाँ। वो कहता है कि नुआ उसका सीनियर है और वी नुआ का दोस्त है। ये सुनकर वी बिल्कुल चुप हो जाता है। नुआ मार्क से पैक के बारे में पूछता है। मार्क उसे बताता है कि पैक उसका नेबर है और वो यहाँ उसे शहर घुमाने लेकर आया है। पैक मार्क के करीब आने लगता है और कहता है कि वो लोग एक्स कपल हैं और शायद इस ट्रिप के बाद वो लोग फिर से कपल बन सकते हैं। ये कहकर वो मार्क के गाल को टच करता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर वी उदास होने लगता है। नुआ वी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वहीं अकेले में आकर मार्क पैक से कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा था। पैक कहता है कि मार्क ही तो वी से दूर रहना चाहता है। मार्क कहता है पर उसने वापस कपल बनने वाली बात वहाँ क्यों कही। पैक कहता है कि वो वी को परेशान कर रहा था, और अगर वो ऐसा नहीं कहता तो क्या उसे ऐसा लगता है कि वी कभी भी उससे पीछे हटेगा, तो मार्क उसे ऐसा करने दे। मार्क ये सब सुनकर उसकी बात मान लेता है। आगे वी को
उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है, जहां सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे होते हैं। नोआ कहता है कि अभी को मार्क के रास्ते से हट जाना चाहिए, अगर मार्क के लाइफ में कोई आ चुका है। युवा कहती है पर वो मार्क और वी के रिलेशनशिप को बुरी तरह से खत्म होने नहीं दे सकती। बार कहता है कि ये सब सोचने से पहले उन्हें ये पता करना चाहिए कि क्या मार्क और वो लड़का सच में साथ है। वी कहता है कि उसे नहीं लगता कि मार्क उस लड़के के साथ है। मार्क जरूर उसे यहाँ वी को दिखाने लाया है ताकि ये सब देख कर वी पीछे हट जाए, यही मार्क का प्लान है। आगे हमें स्विमिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्क पैक के साथ होता है और पैक मार्क के बॉडी में क्रीम लगा रहा होता है और बार और वी खड़े ये सब देख रहे होते हैं। बार वी से कहता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि ये सब झूठ है। वी गुस्से में कहता है कि वो दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं और वो मार्क को जाकर कहता है कि मार्क उसकी बात सुने, वी को उससे कुछ बात करनी है। तभी वी के पास पैक आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। मार्क वी से कहता है कि वी मार्क को कब अकेला छोड़ेगा। वी कहता है जब वो ये कह देगा कि वो सच में पैक को डेट कर रहा है। मार्क कहता है कि इससे वी का कोई भी लेना देना नहीं है। वी मार्क को उसके साथ रेस करने को कहता है और कहता है कि अगर वी जीता तो वो वी को सारा सब कुछ सच बताएगा। मार्क कहता है कि ठीक है, पर अगर वी हारा तो वो मार्क को अकेला छोड़ देगा। आगे उन दोनों में आपस में स्विमिंग की रेस होती है और जिसमें मार्क जीत जाता है। वो वी से कहता है कि वी को सच जानना था कि मार्क और पैक के बीच में क्या रिश्ता है, तो ये बात सच है कि वो लोग वापस से कपल बन गए हैं। ये कहकर वो पैक के साथ वहाँ से चला जाता है और वी उदास होने लगता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्क पैक के साथ क्लब में बैठा होता है पर मार्क का मूड खराब होता है। पैक मार्क से कहता है कि वो वी के बारे में ना सोचे और बस ये सोचे कि मार्क ने उस इंसान को खुद से दूर किया जो मार्क के लिए नहीं था। तभी वी वहाँ नशे में आ जाता है और कहता है कि क्या वो वी के बारे में बात कर रहे हैं। मार्क वी से कहता है कि वी ने मार्क से वादा किया था कि सच जानने के बाद वो मार्क को अकेला छोड़ देगा। वी कहता है कि हाँ, उसने मार्क को अकेला छोड़ दिया, पर वो अब मार्क का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। वी के फ्रेंड्स वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और वी के तरफ से उन्हें सॉरी बोलते हैं, पर पैक उन सबको कहता है कि वो लोग भी उनके साथ यहाँ आकर बैठ सकते हैं। मार्क पैक को ऐसा करने से रोक रहा होता है पर पैक उन्हें अलाउ कर देता है और वी के फ्रेंड्स ये बात मान जाते हैं। वी आकर पैक के पास बैठता है और नशे की हालत में वो मार्क को आई मिस यू बोलता है, वो भी बहुत प्यार से। वो मार्क के लिए ड्रिंक बनाने लगता है जैसे ड्रिंक मार्क को पसंद है, पर पैक कहता है कि जब मार्क का दिमाग ठीक नहीं होता तो वो ये ड्रिंक नहीं पीता। आज उसे किसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया तो उसके लिए बियर सही रहेगा। ये कहकर वो मार्क को बियर डालकर देता है और मार्क उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर वे उदास हो जाता है और उस बनाए ड्रिंक को खुद पी लेता है और वो उदास होकर वॉशरूम चला जाता है और काफी देर हो जाती है, पर वे वॉशरूम से वापस नहीं आया होता तो उसके फ्रेंड्स परेशान होने लगते हैं। पर तभी वे स्टेज पे चला जाता है और वहाँ जाकर उसके मन में जो भी आता है वो वहाँ वो सब कहने लगता है। ये देखकर मार्क घबरा जाता है। वी कहता है कि वो एक सॉन्ग यहाँ पे गाने वाला है अपने एक्स लवर के लिए और वो उम्मीद करता है कि शायद इस सॉन्ग को सुनकर वो उसके लाइफ में वापस आ जाएगा और वापस से उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। ये सब देखकर वी के फ्रेंड्स भी परेशान होने लगते हैं पर बाकी सारे लोगों के साथ वो भी वी को चेयर करने लगते हैं और वी
बहुत ही क्यूटली एक सॉन्ग गाने लगता है और मार्क उसके तरफ देख रहा होता है। उसे वी के साथ बिताए सारे प्यारे पल याद आने लगते हैं। उस सॉन्ग को सुनकर मार्क इमोशनल हो जाता है। पैक मार्क से कहता है कि उसे वापस जाना है और वो अपने साथ मार्क को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वी आकर मार्क का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आकर कहता है कि मार्क दोबारा से वी से प्यार करने लगेगा। पैक वी से कहता है कि क्या उसे समझ नहीं आ रहा, मार्क ने मूव ऑन कर लिया है तो वो भी कर ले। ये कहकर वो मार्क को अपने साथ लेकर चला जाता है। वी उदास होकर उनके तरफ देख रहा होता है। आगे मार्क के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां मार्क बात लेकर आता है। वो पैक से कहता है कि पैक वापस कब जाएगा। पैक कहता है कि उसका काम खत्म होते ही मार्क अब पैक को यहां से भगा रहा है। मार्क कहता है कि नहीं, बस वो पूछ रहा है ताकि वो उसे छोड़ने जा सके। पैक कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद चला जाएगा, पर उसे अब भी डर है कि उसका काम शायद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मार्क कहता है पर शायद खत्म हो चुका है, शायद वी ने उनके बातों पे भरोसा कर लिया क्योंकि वो वी के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तभी वी बाहर से मार्क को आवाज लगाने लगता है। पैक मार्क से कहता है कि उसने मार्क से कहा था कि काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। वी बार बार यही कह रहा होता है कि वो मार्क के लिए जिंजर टी लेकर आया है। तभी मार्क उसी हालत में आकर गेट खोलता है और कहता है कि वो लोग बिजी हैं। वी मार्क को इस हालत में देखकर उदास हो जाता है, पर वो फिर भी स्माइल करके मार्क को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि पैक भी मार्क के रूम पर है। मार्क कहता है क्योंकि कपल्स का साथ में रहना अजीब होता है। ये सब सुनकर वी को रोना आ रहा होता है, पर वो मार्क को कहता है कि वो मार्क के लिए जिंजर टी लाया है। मार्क कहता है कि उसे नहीं चाहिए, पैक ने उसे ऑलरेडी दिला दिया और वी इसे खुद पी ले या वो जाकर प्लॉय को इसे दे दे और वो यहाँ पे आना बंद करे। मार्क को ये सब पसंद नहीं है जब कोई उसके खुशी के टाइम को आकर खराब करता है। ये सब सुनकर वी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो मार्क से कहता है कि वो समझ गया कि आज तक मार्क को कैसा लगता था जब भी वी ने मार्क के साथ बुरा किया, और अब मार्क वी को कभी भी माफ नहीं करेगा। वो हमेशा वी पे गुस्सा रहेगा, पर वो हर चीजों के लिए मार्क से माफी चाहता है। मार्क गुस्से में उसके फेस पे गेट बंद कर देता है और वी बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं मार्क उदास होकर पैक के पास जाकर बैठता है। पैक मार्क से कहता है कि मार्क अब भी वी से बहुत प्यार करता है, पर मार्क उस बात को इग्नोर करने लगता है और कहता है कि पैक मजाक ना करे। पैक उसे कहता है कि आज उसका यहाँ लास्ट डे है, तो वो दोनों मिलकर अपने पुराने खुशी के पलों में लौट चलते हैं। मार्क कहता है कि वो मजाक करना बंद करे, पर पैक मार्क के करीब आने लगता है और कहता है कि वो सीरियस है। ये कहकर वो जैसे ही मार्क के करीब आता है, मार्क उसे खुद से दूर हटा देता है। पैक कहता है कि क्या ये वी के वजह से, क्या वी ने मार्क को बदल दिया। मार्क कहता है कि उसे नहीं पता। पैक कहता है कि अगर उसे नहीं पता तो वो उन सारी चीजों को वापस क्यों लेकर आया, और हमें मार्क के घर पे वी के चीजों को रखा दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क वी के चीजों को डस्टबिन से उठाकर लेकर आया था। पैक कहता है कि जिस दिन उसने मार्क को धोखा दिया था, मार्क ने उसी दिन पैक से ब्रेकअप कर लिया था। उस दिन के बाद पैक ने मार्क को कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं देखा जैसा कि मार्क अब है। क्या वी हर उस इंसान से सबसे अलग है जिनको भी मार्क ने अब तक डेट किया, और मार्क जो भी करने वाला है वो उस बारे में अच्छे से सोचे ताकि उसे पछतावा ना हो जैसे पैक को आज हो रहा है। आगे मॉर्निंग में पैक वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वी उसके पास आता है। पैक उसे कहता है
कि मार्क उसके साथ नहीं है। वे कहता है कि वो यहाँ पैक से बात करने आया है। वो उसे कहता है कि वो अब से मार्क को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा, तो वो बस चाहता है कि पैक मार्क का अच्छे से ख्याल रखे, और अगर उसने मार्क को कुछ नहीं रखा तो वे उसे वापस ले लेगा। पैक कहता है कि मार्क और पैक अब कपल है, क्या इसके बाद भी वे अब भी मार्क को ही चाहता है? उसे तो लगा था कि वे अलग होगा। वे कहता है कि मूव ऑन करना वे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर वो इसके बाद भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं मार्क कॉलेज जाने के लिए बाहर आ रहा होता है, पर वो डोर से बाहर झाँक कर देखता है कि कहीं वे बाहर तो नहीं है। वो रूम के बाहर आता है जहाँ वे नहीं होता। वो बिल्डिंग के बाहर चला आता है और उसे बाइक की आवाज आती है। उसे लगता है कि वे आया है, पर वहाँ पे कोई और लड़का होता है। कॉलेज में भी वो बस वी को ही ढूंढ रहा होता है। वो वी के सारे फ्रेंड्स को तो देखता है, पर वी उन सब के साथ नहीं होता। और जब मार्क देखता है कि वी अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं है, ये देखकर मार्क उदास हो जाता है। आगे रात हो जाती है, पर मार्क अब भी स्विमिंग क्लब में बैठा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो वहाँ बार को देखता है। वो बार से वी के बारे में पूछने वाला होता है, पर वो नहीं पूछता। आगे वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वे उसे ले गया था, और वो हर जगह वी को बहुत मिस करता है। आगे सीन चेंज होकर हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ फ्यूज मार्क के पास आता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। मार्क उससे पूछता है कि फ्यूज परेशान क्यों है। फ्यूज उसे बताता है कि कॉलेज के मीडिया क्लब जाते हैं कि फ्यूज उनका मॉडल बने यूनिवर्सिटी के चैरिटी के टी शर्ट के लिए। मार्क कहता है कि फ्यूज तो कॉलेज का मून है, और कॉलेज के सारे मून ही ये चीज कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फ्यूज कहता है कि उसे स्टूडेंट एसोसिएशन का भी काम करना है, पर अगर उसने वो कैंसिल कर दिया तो क्लब वाले फ्यूज को बैन कर देंगे। वो मार्क की तरफ देखकर बोलता है, पर अगर कोई गुड लुकिंग लड़का उसकी जगह चला जाए तो काम बन जाएगा। मार्क कहता है कि वो कम्फान जेम्स या फिर विन से इस बारे में बात करेगा। फ्यूज कहता है कि वो मार्क की बात कर रहा है, अगर मार्क गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्क कहता है पर वो मॉडलिंग से ओके नहीं है। फ्यूज उसे कहता है कि जब मार्क ने मून बनने से मना कर दिया था तो फ्यूज ही मार्क के जगह कॉलेज का मून बना था, तो अब मार्क को वो एहसान चुकाना होगा। वो मार्क को बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, आखिरकार मार्क को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। आगे वो फोटोशूट वाली जगह पे पहुंचता है। वहाँ उसे एक लड़की मेकअप वाली सीट में ले जाकर बिठाती है, और जहाँ सारे स्टूडेंट्स का मेकअप हो रहा होता है, और उसके पास वाली सीट पे भी बैठा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मार्क नर्वस होने लगता है, पर वो वी से कुछ कहने जाता है, पर तभी उसे फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है। वी चला जाता है। उसके जाने के बाद मार्क को भी वहीं बुलाया जाता है, और उसे वी के पास खड़े होने को कहते हैं। वो दोनों पहले तो बहुत नर्वस होकर खड़े होते हैं, पर उन्हें पास खड़े होने को बोला जाता है, और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में दिखने लगती हैं, पर तभी वहाँ पे प्लॉय आ जाती है। आगे वी के साथ प्लॉय का फोटो शूट होने लगता है, और वहाँ खड़े सारे लोग बातें करने लगते हैं कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मार्क वहीं पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है, और उन दोनों को साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपसेट होने लगता है। आगे मार्क बैठा होता है, और वी पास खड़ा अपनी चीजें पैक कर रहा होता है। प्लॉय आकर वी से कहती है कि सीनियर्स उन्हें साथ में डिनर पे चलने को कह रहे हैं, क्या वी चलेगा? वी उसे हाँ कह देता है, और एक सीनियर आकर मार्क को भी उनके साथ चलने को कहती है, पर मार्क उसे मना कर देता है। वो वी और प्लॉय को साथ देखकर उदास होकर चला जाता है। आगे उसे उसके सारे फ्रेंड्स के
साथ दिखाया जाता है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसे मना कर रहे होते हैं पर वो नहीं रुकता। तभी वहाँ पे वी और प्लॉय भी आते हैं। उन्हें साथ देखकर मार्क के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब समझ आया कि आखिर में प्रॉब्लम क्या हुई है। वो लोग मार्क को शांत रहने को कहते हैं पर मार्क और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो लोग मार्क को रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि मार्क इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करे और उसी ने तो कहा था कि उसने मूव ऑन कर लिया। मार्क उन्हें कहता है तभी तो वो सेलिब्रेट कर रहा है। वी और प्लॉय वापस से कपल बन गए हैं। ये कहकर वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो अपने फ्रेंड्स की बातें नहीं मानता। थोड़ी देर में वो वॉशरूम जाता है जहाँ उसे वी मिलता है पर वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते और वी वहाँ से चला जाता है। मार्क बहुत उदास हो जाता है और वो लेडीज वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो रोने लगता है। तभी उसे वहाँ पे प्लॉय मिलती है और वो मार्क से कहती है कि ये लेडीज वॉशरूम है। मार्क बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो प्लॉय को सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी प्लॉय उसके पीछे आती है। वो मार्क से कहती है कि उसे मार्क को कुछ कहना है। मार्क ने प्लॉय और वी को उस साथ जो साथ में देखा था, मार्क को उस वजह से गलतफहमी हुई थी। आगे वो बात कह नहीं पाती। तभी मार्क जाकर वॉमिट करने लगता है। आगे मॉर्निंग में मार्क की नींद खुलती है जहां मार्क अपने रूम पे होता है। वो बिना कपड़ों के होता है। वो बेड से नीचे आने लगता है पर नीचे वी सोया होता है। वो मार्क से माफी मांगता है और कहता है कि वो कल रात यहीं पे सो गया था। मार्क उसे कहता है कि कल रात क्या हुआ था, क्या वी मार्क को वापस लेकर आया था। वी उसे बताता है कि वो रात में वॉशरूम में ही सो गया था तो वी उसे यहाँ वापस ले आया। और हमें दिखाया जाता है कि वी ने मार्क के कपड़े बदले थे, उसे साफ किया था। वो वहाँ से जाने वाला था पर तभी मार्क ने उसे जाने नहीं दिया और वो पीछे से वी को हक करने लगा और उसने वी से कहा था कि वी उसे छोड़कर ना जाए और वी उसे छोड़कर नहीं गया। वो वेट कर रहा था कि मार्क के सोने के बाद वो चला जाएगा पर उसे पता नहीं चला वो कब यहाँ पे सो गया और उसकी सुबह आँख खुली। मार्क उसे कहता है तो क्या वी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया जब वो होश में नहीं था। वी उसे कहता है कि वो जानता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है पर वो लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। मार्क कहता है या वो प्लॉय से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी उसने मार्क के साथ कुछ भी नहीं किया। वी मार्क से कहता है तो क्या मार्क को ऐसा लगता है कि वी और प्लॉय वापस से कपल बन गए। वो मार्क को बताता है कि कल उसने प्लॉय को लंबे टाइम बाद देखा और वो प्लॉय के पास वापस जाना नहीं चाहता। मार्क उसे कहता है कि क्या सच में। वी कहता है कि हाँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मार्क उसे रुकने को कहता है और बोलता है कि कल प्लॉय उसे कुछ बता रही थी पर उसके बताने से पहले मार्क वहाँ पे सो गया और मार्क को बस इतना याद है कि प्लॉय ने उसे ये कहा था कि मार्क को गलत फहमी हुई थी। तो क्या वी उसे उस रात की सारी बात बताएगा कि उस रात को क्या हुआ था। वी उसे बताता है कि उस रात प्लॉय ने वी को वापस कपल बनने को बोला था पर वी ने उसे मना किया तो प्लॉय ने उसे किस करने की बात की। ये कहा कि क्या वी के अंदर अब भी प्लॉय के लिए फीलिंग्स है और क्या वो ये चीज देखना नहीं चाहता। वी उस चीज के लिए रेडी नहीं था तो प्लॉय ने उसे अचानक किस कर लिया। मार्क कहता है तो वी ने ये सब पहले क्यों नहीं बताया था। वी कहता है कि सब कुछ वी की ही गलती है, उसने खुद को उस जगह में खुद ही फंसाया। मार्क कहता है कि वो वी की बातों पे कैसे भरोसा करेगा कि वी मार्क से झूठ नहीं कह रहा। वी कहता है कि उसने मार्क को सब कुछ सच सच बताया है। अब यह मार्क के ऊपर है कि वो वी की बातों पे भरोसा करेगा या फिर नहीं। ये कहकर वो जाने लगता है। मार्क वी के पीछे आता है और कहता है कि वी ने मार्क को सच बताया
तो मार्क भी उसे कुछ सच बताना चाहता है। मार्क और पैक कपल नहीं है, ये उनका प्लान था वी को मार्क से दूर करने के लिए। वी कहता है कि वो उसकी बात पे कैसे भरोसा करे कि मार्क झूठ नहीं कह रहा। मार्क कहता है कि उसने वी को सब कुछ सच बताया है तो अब वी के ऊपर है, वो चाहे तो उस पे भरोसा करे या तो नहीं। वी स्माइल करके कहता है कि उसे मार्क पे भरोसा है। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है पर मार्क तुरंत गेट बंद कर देता है। वी उसे आवाज लगाने लगता है। मार्क स्माइल करके अंदर से कहता है कि मार्क को सच पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वी को माफ कर दिया। क्या उसे याद नहीं है कि वी ने मार्क को कितना ज्यादा इंतजार करवाया। वी मार्क से कहता है कि मार्क उसे माफ कर दे, वो उससे सबसे ज्यादा लव करेगा। तो वो गेट खोल दे। मार्क स्माइल कर रहा होता है पर वो गेट नहीं खोलता। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।